हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 3.2 के क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसमें देखते हैं, एक हमारा फॉर्मूला काम में आएगा विभाजन एल्गोरिथम सूत्र। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, इसका क्या फॉर्मूला आता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक बात आएगी, शून्य। शून्य का आपको मैंने पहले ही बताई थी, जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो? जीरो। जैसे फंक्शन दिया है हमारा कोई एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन का मान जिस एक्स के मान के लिए, एक्स का जो भी मान है हमारा उसके लिए इस फंक्शन का मान क्या हो? जीरो हो, तो वो ही उसके क्या होते हैं? शून्य हो। मान लो हमने लिया है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। मान लो उसने आपको बोल दिया एक्स इक्वल वन, इसका एक शून्य है, एक्स इक्वल वन इसका एक शून्य है, तो इसका ये x की वैल्यू 1 आई कैसे होगी? जब ये x माइनस 1 इक्वल होगा किसके? 0। x माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 0 के, तभी ये x की वैल्यू आई होगी, तभी इसका शून्य का आया होगा हमारे पास। अब द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। द्विघात समीकरण ये है हमारे यहाँ पर, और द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने शून्य होंगे? 2 शून्य। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखो उसमें भाग देना है, क्वेश्चन जैसे फंक्शन दिए होंगे बहुपद, ठीक है, बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना, तो एक चीज इसमें याद रखोगे, सबसे पहले आप उसको व्यवस्थित करोगे। भाग देने से पहले क्या करोगे? व्यवस्थित करोगे। किस प्रकार से? जैसे जिसकी जिस चर की घात जितनी अधिक है, सबसे बड़ी घात वाला चर जो है वो पहले आएगा फर्स्ट, जिस चर की घात अधिकतम होगी वो पहले आएगा, फिर उसके बाद कम वाला, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करना है। जैसे आपके पास मान लो ये फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो इसको आप सबसे पहले व्यवस्थित करोगे। कैसे? यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर चर की घात 3 है, तो ये पहले आएगा 4x³, फिर x³ के बाद x² का, फिर उसके बाद x वाला, फिर उसके बाद बचा। इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चनों को करने से पहले व्यवस्थित करना है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम बोल दिया, तो इसका अर्थ हमें इसकी जांच भी करनी होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है fx इक्वल 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, x² प्लस 2x प्लस 5, और gx इक्वल में दिया है 1 प्लस 2x प्लस x³। अब fx में इसने बोला है dx का भाग देना है विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो देखो विभाजन एल्गोरिथम बोल दिया गया है इसमें, तो आपको विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूले से उसके बाद इसको प्रूव भी करना होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये तो हमारा व्यवस्थित ही है, पहले चर की घात अधिकतम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके बाद अचर पद। इसमें बात करें पहले अचर पद, फिर घात एक चर की, फिर घात दो, तो ये हमारा व्यवस्थित नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो जी एक्स इक्वल हमारा यहां से क्या आएगा? पहले अधिकतम घात एक्स की स्केयर, फिर इससे कम का 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें बांट देंगे, बहुपद है हमारा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसका बांट देना है हमें x² प्लस 2x प्लस 1। देखो
इन क्वेश्चन में यहां हमें देखना होता है पहली संख्या क्या है, इस पहली संख्या को वही बनाना होता है। अगर तो आप सीधा यहां से देखकर पता लगा सकते हो कि किससे गुणा होगा तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको यहां पर देखने पर पता नहीं चलता कि किसका गुणा होगा, ठीक है, तो आप रफ वर्क कर लोगे एक साइड में। जैसे मान लो ये रफ वर्क कर रहे हैं, तो क्या करो, यहां से पहली संख्या उठाओ। यहां पर पहली संख्या क्या है, 3x³ अपॉन में यहां से पहली संख्या उठाएंगे एक्स की स्क्वायर। पावर अब ऊपर जाएगी तो यहां पर बाद में हो तो क्या आपकी पावर माइनस होती है, गुणा में हो तो पावर प्लस यानी जुड़ जाती है। तो 3x की पावर 3-2, पावर ऊपर की क्या होगी माइनस, तो 3x की पावर 1 यानी क्या लिख सकते हैं इसे 3x। तो इतना हमें पता चल गया, अभी यहां पर आंसर में क्या आएगा 3x। वैसे ही देखें तो x स्क्वायर को 3x की क्यूब बनाना है, एक तो 3 चाहिए हमें, x की पावर 2 है 3 बनानी है, तो एक x हो गया यानी किससे गुणा होगा 3x। ऐसे नहीं बता देता तो ये प्रोसीजर कर लो रफ में, ठीक है। अब ये 3x जो हमारा आंसर आया ये भी रफ वर्क है, इसका होता है इस भाज्यक के साथ गुणा। किसके साथ गुणा, भाज्यक के साथ। क्या क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और यहां पर सीधा ही गुणा कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधा गुणा करके देखते हैं, x स्क्वायर इनटू 3x, तो x की पावर 2 और 1 3, तो क्या आ गया 3x की क्यूब, फिर प्लस 2x इनटू 3x, 2 इनटू 3 6, x इनटू x, x की स्क्वायर, फिर प्लस 1 इनटू 3x, तो कितना आ गया 3x। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अगर यहां पे सीधा आपसे गुणा नहीं हो रहा तो देखो ये रफ वर्क वाला गुणा करके देखते हैं, 3x का सबसे पहले किसके साथ होगा, x स्क्वायर के साथ, फिर 3x का गुणा किसके साथ होगा, 2x के साथ, फिर 3x का गुणा 1 के साथ। अब इसको करो, x की पावर 1 और 2 3 होगी क्योंकि गुणा में है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, क्या आ गया 3x की क्यूब प्लस 3 × 2 6, x इंटू x, x की स्क्वायर, पावर 1 और 1 कितनी होगी 2, 3x इंटू 1 कितना आ गया 3x, तो क्या आ गया 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। किसी भी तरीके से अब देखो यहां पर, अब हमारे पास यहां पर कितना आ गया, प्लस का 3x क्यूब है, माइनस का 3x क्यूब है, ये तो हमारा हो गया कैंसिल। यहां पर प्लस का x स्क्वायर है, माइनस के 6x स्क्वायर, प्लस का 1x स्क्वायर है, माइनस के 6x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, तो कितने रहेंगे हमारे पास 5x स्क्वायर। किसके रहेंगे, माइनस के, क्योंकि हमारे पास यहां पर माइनस की संख्या बड़ी है, तो कितना आ गया यहां पर माइनस 5x स्क्वायर। अब यहां पर प्लस के 2x हैं और ये 3x किसके, अब माइनस के, नीचे वाले का हमेशा साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस के 2x माइनस के 3x, तो प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x हटाएंगे, 1x रह गया, किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहां पर कितना आ गया माइनस x। ऊपर से अब क्या उतार लेते हैं प्लस के 5, ठीक है। अब फिर वापस वही प्रोसीजर, अब x स्क्वायर को माइनस 5x स्क्वायर बनाना है, x स्क्वायर को क्या बनाना है माइनस 5x स्क्वायर बनाना है, तो माइनस 5 से गुणा कर दो। ऐसे नहीं बता देता तो पहली संख्या यहां से उठाओ, पहले यहां से माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में यहां से भी पहली संख्या x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो कितना रह गया माइनस के 5, तो कितना रह गया माइनस के 5, तो यहां क्या लिखोगे माइनस 5। ये इसके बाद क्या बताया था, इस माइनस 5 का अब इस पूरे भाज्य के साथ गुणा होगा, तो माइनस
5 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो अपना हमने पढ़ाया वो इसके नीचे लिख दें। तो देखो माइनस 5 का गुणा x स्क्वायर के साथ तो माइनस 5 x स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस 5 इनटू 2 10x फिर माइनस प्लस माइनस 5 इनटू 1 5 ये हो गया कितना आ गया माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ये माइनस का था प्लस का हो गया ये भी माइनस का है तो प्लस का ये भी माइनस का है तो किसका हो गया प्लस का सिर्फ इस नीचे वाले के साइन चेंज हो गए ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का और ये सारा जो हम कर रहे हैं ये रफ वर्क देखो यहां पर कितना आ गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल माइनस का x प्लस के 10x माइनस का 1x और प्लस के 10x है तो यहां पर माइनस प्लस माइनस 10x में से 1x रिटेन कितने रहेंगे 9x 10x में से 1x निकाल दिया कितने रहेंगे 9x 9x किसके रहेंगे प्लस के क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो यहां पर क्या लिख दिया इसके नीचे 9x प्लस के 5 ये भी किसके होंगे प्लस के 5 तो प्लस 5 प्लस 5 कितने होंगे प्लस के 10 क्योंकि प्लस की संख्या तो कितने आ गए प्लस के 10 ये हमारा क्वेश्चन इतना ही अब इसकी जांच और देखेंगे उसके बाद देखो सबसे पहले अतः भागफल इक्वल हमारा कितना आ गया अतः भागफल इक्वल 3x माइनस 5 भागफल यानी आंसर है 3x माइनस 5 शेषफल जो शेष बचा है शेषफल इक्वल 9x प्लस 10 9x प्लस 10 अब यहां पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो भाजक इनटू यहां भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल अगर ये भाजक इक्वल हो गया तो हमारा क्वेश्चन सही है नहीं विभाजन एल्गोरिथम हमारा सत्यापित नहीं होगा तो देखो भाजक किसके द्वारा भाग दिया था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c भाजक हो गया इनटू भागफल भागफल हमारा कितना है 3x माइनस 5 3x माइनस 5 प्लस शेषफल शेषफल है हमारा 9x प्लस 10 9x प्लस 10 सॉल्व करते हैं पहले 3x का गुणा इस पूरे के साथ कर लेंगे तो 3x इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फिर माइनस 5 का गुणा कर लेंगे इस पूरे के साथ माइनस 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में बड़ा है 9x प्लस 10 9x प्लस 10 3x का गुणा पहले पूरे के साथ फिर माइनस 5 का पूरे के साथ गुणा करते हैं 3x इनटू x की स्क्वायर x की पावर 1 और 2 3 तो क्या आ गया 3x की क्यूब 3x की क्यूब 3x का गुणा 2x के साथ तो 3 इनटू 2 6 x इनटू x x की स्क्वायर तो ये कितने आ गए 6x की स्क्वायर फिर 3x इनटू 1 कितना आ गया 3x माइनस 5 का गुणा x स्क्वायर के साथ तो माइनस 5x स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 2x 10x फिर माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 9x प्लस x क्यूब की इसमें संख्या 1 ही है तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं 3x की क्यूब प्लस 6x की स्क्वायर और माइनस 5x की स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 1x स्क्वायर रह जाएगा किसका प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी अब प्लस के 3x और यहां पर प्लस के 9x कितने होंगे प्लस के 12x
3x और 9x 12x, 12x माइनस 10x, 12 में 10 के कहीं कितने रहेंगे 2x, प्लस के रहेंगे, प्लस की बड़ी संख्या है, और क्या रहेगा माइनस के 5 प्लस के 10, तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 निकलेंगे, 5 किसके बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी थी और ये इक्वल है हमारा किसके भाज्य के, 3x3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 5। अतः विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय सत्यापित है, तो हमारा ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हमारा यहाँ पर सत्यापित हो गया। ये भाज्य इक्वल होता है भाज्य के इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो स्टूडेंट्स अब इसके आप क्वेश्चन सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट हो रहे हैं तो वो आप खुद करोगे, फिर भी आपके डाउट हो तो उस पर मैसेज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।